Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. It is my email ID and this time I am going to discuss a very renowned educational philosopher, that is Plato, and his views on education, or you can say Plato's educational philosophy. The lecture will be in bilingual mode, and do subscribe my channel to get my future videos too on various topics of education. This video will be useful for various competitive teaching examinations as well as for your regular and professional BA, BEd and MA, MEd courses. Okay, so let's start. First of all, who was Plato? Plato कौन थे? शायद ही कोई ऐसा शिक्षक और शिक्षार्थी होगा जिसने प्लेटो का नाम नहीं सुना होगा. आप विषय कोई भी पढ़ रहे हो, आप दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हो, आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, आप एजुकेशन पढ़ रहे हो, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आपको प्लेटो के बारे में, प्लेटो को कोट करते हैं हम लोग. ओके, तो प्लेटो वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर, स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट एंड थिंकर. वो बहुत महान दार्शनिक थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे, शिक्षाविद थे और बहुत बड़े चिंतक थे. He was the student of Socrates and teacher of Aristotle, है ना? वो सुकरात के शिष्य थे और एरिस्टोटल या अरस्तु के गुरु थे. तो ये जो तीन महान विचारक हुए हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इनमें शिक्षक और शिष्य का संबंध रहा है. He was one of the first founders of idealism school of thought. हम लोग जब फिलोसफीज पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, तो पहला हम लोग फिलोसफी हमेशा आइडियलिज्म पढ़ते हैं. पुरातन है, सबसे पुराना है. तो आदर्शवाद में जो पश्चिमी विचारक हम लोग पढ़ते हैं, उसमें प्लेटो का नाम सर्वोपरि आता है. He was one of the first founders of idealism school of thought. यानी कि आदर्शवाद की जो विचारधारा रही है चिंतन की, उसके वो फर्स्ट फाउंडर्स कहलाते हैं. एज पर आइडियलिस्ट फिलोसॉफिकल थॉट, द माइंड एंड द सेल्फ आर द अल्टीमेट ट्रुथ और रियलिटी. आइडियलिज्म आदर्शवाद जरूर है, पर इसका नाता रिश्ता आइडिया से है. ऐसा लगता है कि आइडियल से इसका नाता रिश्ता है, पर आइडिया इसमें प्रधान है. तो आइडियलिस्ट फिलोसॉफिकल थॉट के हिसाब से जो मन है और जो सेल्फ है हमारा, जो स्व है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है, वही रियलिटी है, वही अंतिम सत्य है, वही अंतिम यथार्थ है. एंड क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड. और वो कह रहे हैं आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले कि जो ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो कुछ नहीं है बल्कि हमारे माइंड का ही रिफ्लेक्शन है. He wrote several books on education and the two important ones are The Republic and The Laws. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से वो हैं, दो हैं, The Republic and The Laws, जिनका बार बार जिक्र अभी आगे आएगा. तो ये प्लेटो साहब के बारे में सूक्ष्म इनके बारे में जानकारी रही. अब आइडियलिज्म से ही शुरू करते हैं कि प्लेटो का आदर्शवाद क्या था, फिर प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी क्या थी, फिर उन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफी को किस तरह से प्रस्तुत किया, फिर वो एजुकेशन को कैसे देखते थे और क्या एम्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन उनके बारे में थे और उनके हिसाब से थे, और फिर हम कंक्लूड करेंगे प्लेटो को. और बीच में स्टेजेस ऑफ एजुकेशन भी आएंगी, जो भी बहुत सारी हैं, 6 स्टेजेस की बात की है इन्होंने. ठीक है, तो प्लेटो साहब की फिलॉसफी क्या है? आदर्शवाद की फिलॉसफी है. आदर्शवाद पर ये बात करते हैं, उस पर रिलाय करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं. ये क्या कहते थे कि ही बिलीव दैट द रियल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज ओनली. वो कह रहे हैं कि जो सही मायने में जो संसार है, जो रियल है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो सिर्फ विचार है. ओनली आइडियाज आर ट्रू. कह रहे हैं सिर्फ विचार है जो सत्य है, बाकी कोई भी चीज सत्य नहीं है, सब मिथ्या है. अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, अकॉर्डिंग टू प्लेटोज आइडियलिज्म, द फिजिकल और मेटीरियल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन आइडियाज. ये कह रहे हैं कि जो भी भौतिक संसार है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, वो सिर्फ आइडिया पर निर्भर है, आइडिया पर आधारित है. और वो क्या कह रहे हैं कि आइडियलिज्म के प्रणेता हैं, इसलिए ईश्वर में इनका विश्वास है. ओनली ब्रह्म और गॉड इज ट्रू एंड कम्प्लीट एंड द वर्ल्ड इज ए मिथ एंड एवरीथिंग एल्स इज इनकम्प्लीट. ये कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्म या जो ईश्वर है वही सत्य है, वही पूर्ण है, और बाकी सारा संसार क्या है? मिथ्या है. बाकी सब कुछ क्या है? अपूर्ण है. तो क्या सत्य है इनके हिसाब से? आइडियाज. वो कह रहे हैं जो विचार है वही शाश्वत है, वही परफेक्ट है, वही अनचेंजेबल है, मतलब वो बदलेगा नहीं और एवर लास्टिंग है, यानी हमेशा रहेगा. अकॉर्डिंग टू प्लेटोज आइडियलिस्टिक थॉट्स, देयर आर टू वर्ल्ड्स. वो कह रहे हैं, प्लेटो मानते हैं अपने आदर्शवाद में कि संसार दो तरीके का है, दो प्रकार का है. पहला क्या है? द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज.
वो कह रहे हैं कि एक तो विचारों का संसार है एंड द मटेरियल वर्ल्ड विच इज एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस, जिसको कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड इज गिवन शेप थ्रू सेंसेस और आइडियाज ओनली। वो कह रहे हैं कि जो भौतिक संसार है वो तो क्षणिक है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, और वो हमारे ज्ञानेंद्रियों या विचारों के द्वारा ही उसको आकार दिया जा सकता है। वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज डिस्ट्रक्टिबल एंड एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस। वो कह रहे हैं जो ज्ञानेंद्रियों का संसार है वो अस्थिर है, उसको स्थिर नहीं है, मतलब वो परमानेंट नहीं है, और एग्जिस्ट कैसे करता है टाइम और स्पेस के हिसाब से, मतलब कहीं की भी सत्यता जानने के लिए आपको समय काल देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन ऑफ बोथ नॉलेज एंड मोरालिटी शुड बी प्रोवाइडेड। उनके हिसाब से कि हमको ज्ञान और नैतिकता दोनों की शिक्षा देनी चाहिए। और वो एजुकेशन क्या मानते थे, सॉरी, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अटेन गॉड गुड होना चाहिए था, सॉरी ट्रुथ गुडनेस एंड ब्यूटी होना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो एक औजार है, वो एक उपकरण है जिससे हम सत्य शिव और सुंदर को पा सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम ना, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस, जिसमें कि हम जो आपका एक्सियोलॉजी है वो उसके अंतर्गत आता है कि क्या सत्य, क्या अच्छा क्या है। तो ट्रुथ गुडनेस एंड ब्यूटी अच्छा है अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक व्यू एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एजुकेशन के द्वारा इसको पाया जा सकता है। तो हम अब चूंकि फिलोसफी के बारे में नहीं जा रहे हैं, फिलोसफी आपको पता है कि किसी भी दर्शन को पढ़ने के लिए हमको उसका ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में पता होना चाहिए। तो उस फिलोसफी को हम समझ जाते हैं कि तत्व मीमांसा उसके हिसाब से क्या है, ज्ञान कैसे पाया जा सकता है, कितने प्रकार का होता है, और मूल्य क्या है उस दर्शन के। तो तत्व क्या है आइडियलिस्टिक व्यू प्लेटो का, वो कह रहे हैं कि रियलिटी कैन बी नोन ओनली थ्रू माइंड। वो कह रहे हैं जो सत्य है, जो सत्यता है, वो सिर्फ आप माइंड से हासिल कर सकते हैं। There is a world we experience through our senses. वो कह रहे हैं जो संसार है उसको आप ज्ञानेंद्रियों से experience कर सकते हैं, but there is a higher world which is independent of the world we experience through senses. पर वो कह रहे हैं कि एक उच्चतम संसार भी है, उससे उच्च भी है संसार, जो कि मतलब independent है, अप्रभावी है, निर्भर नहीं करता है हम जो सेंस करते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि जो हम सेंस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं वही संसार है। It is likely that our senses deceive us from coming to know this higher world. वो कह रहे हैं कि ये बहुत संभव है कि ये हो सकता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां रोकती हैं हमको कि वो हम हायर वर्ल्ड तक ना जा पाए। इसी को कई लोग माया कहते हैं, है ना। सो इट इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर व्हाट इज अनचेंजिंग यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट। तो ये क्या जरूरी क्या है कि जो वर्ल्ड है, वो कह रहे हैं कि जो सेंसेस हम प्राप्त कर रहे हैं वो तो डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन जो बियॉन्ड सेंसेस है जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभूत नहीं कर सकते वो अपरिवर्तनीय है, यूनिवर्सल है और एब्सोल्यूट है। Thus, Plato makes a distinction between things and forms. तो दो तरीके की बातें प्लेटो ने बताई और दोनों में अंतर बताया कि थिंग्स अलग चीज है, फॉर्म्स अलग चीज है। थिंग्स क्या है उनके हिसाब से, वस्तुएं क्या है, वो आस्पेक्ट है रियलिटी का, सत्यता का वो पक्ष है जिसको हम परसीव कर सकते हैं सेंसेस के थ्रू। लेकिन फॉर्म क्या है, यूज द ग्रीक वर्ड इडोस टू डिनोट द अदर आस्पेक्ट विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज फॉर्म्स और आइडियाज। मतलब थिंग्स क्या है जिसको हमने सेंसेस से एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन फॉर्म या आइडिया क्या है जिसको हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं प्लेटो कंसीडर द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स इज द रियल वर्ल्ड, और वही जो हम परसीव नहीं कर सकते वही सत्य है, वही सत्य संसार है। द अदर वर्ल्ड दैट वी परसीव थ्रू सेंसेस इज लाइक एन इमिटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। और जो दूसरा संसार है जिसको हम सेंसेस से परसीव कर लेते हैं, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक रियल वर्ल्ड का इमिटेशन है, वो रियल वर्ल्ड नहीं है, और हमारी ज्ञानेंद्रियां रोकती हैं हमको कि हम उच्चतम संसार को नहीं जान पा रहे हैं। ये तत्व मीमांसा है प्लेटो के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड है उसके दो आस्पेक्ट में होता है, थिंग्स और फॉर्म्स। थिंग्स को आप सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, फॉर्म्स को सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, और जिसको सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते वही रियल वर्ल्ड है, और जिसको सेंसेस से परसीव कर सकते वो क्या है, वो सिर्फ इमिटेशन है रियल वर्ल्ड का। यानी कि हम लोग सत्य संसार में को नहीं अनुभूत करते हैं, सत्य संसार के लिए आपको उच्चतम दार्शनिक अवस्था चाहिए। ठीक है, फिर इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान क्या है प्लेटो के आदर्शवाद में। वो कह रहे हैं कि तीन सोर्सेज है नॉलेज, वो कह रहे हैं ज्ञान के तीन स्रोत है। The first kind of knowledge is what we obtain through our senses. वो कह रहे हैं कि जो सबसे निम्नतम स्तर का ज्ञान है या जो पहले प्रकार का ज्ञान है उसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से हासिल कर सकते हैं। Plato did not consider this as real knowledge. लेकिन Plato ने कहा ये सत्य ज्ञान नहीं है। फिर the second kind of knowledge is an individual's opinion regarding an object. पहला तो हमने senses से experience किया। दूसरा कह रहे हैं कि जो दूसरे प्रकार का ज्ञान है उसको वो एक इंडिविजुअल का ओपिनियन हो सकता है, हमारी राय हो सकती है किसी वस्तु के लिए। बट प्लेटो डिसमिसेस दिस आल्सो एज अनरिलायबल। लेकिन प्लेटो ने कहा ये भी अविश्वसनीय है। क्यों?
बिकॉज डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु के लिए बहुत से लोग बहुत तरीके की राय रखेंगे. तो ये भी आपका क्या है, परमानेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है. तो जो थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज है जो कि इज द नॉलेज अटेन थ्रू माइंड और विजडम, जो कि हम माइंड से या विवेक से जो ज्ञान हासिल करते हैं, वो कह रहे हैं कि दिस कंसिडर्स, ही कंसिडर्स दिस एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ नॉलेज. वो कह रहे हैं कि ये उत्तम स्तर का ज्ञान है. दिस इंक्लूड्स वर्च्यूज, इसमें कौन कौन से गुण आएंगे, जैसे ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, जैसे सत्य, शिव और सुंदर आएगा इसमें. हियर ही एम्फसाइजेस द यूनिवर्सैलिटी ऑफ नॉलेज, यहाँ जो ज्ञान है वो सार्वत्रिक हो जाएगा, सबके लिए एक हो जाएगा. द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज इज दैट इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि ये सार्वत्रिक सत्य है, वो रियल नॉलेज है, वो सेंसेस के बियॉन्ड उसका एक्सपीरियंस है, वो हम विजडम से ज्ञान हासिल कर सकते हैं. तो फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज रियल नॉलेज नहीं है, सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज भी रियल नॉलेज नहीं है, केवल थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज रियल नॉलेज है. वहाँ उसकी खास बात क्या है, उसका विशेष गुण क्या है, कि वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ ट्रुथ है, यानी कि सार्वत्रिक सत्य है, यानी कि मेरा भी सच है, आपका भी सच है, और सभी का सच है, वही सच्चा ज्ञान है अकॉर्डिंग टू प्लेटो. ओके, फिर एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा, या मूल्य क्या है प्लेटो के हिसाब से, तो वो कह रहे हैं आइडियाज आर वैल्यूज देमसेल्व्स, वो कह रहे हैं जो विचार है वही मूल्य है. प्लेटोज एथिक्स ट्राइज टू फाइंड आउट वॉट इज द हाइएस्ट राइटनेस फॉर मैन, वो कह रहे हैं उन्होंने खोजने की कोशिश की क्या चीज है जो सबसे बढ़िया है इंसान के लिए. तो उन्होंने कहा राइटनेस हूज अटेनमेंट इम्प्लाइज हैप्पीनेस एंड विच इज अचीव बाई द प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू, कह रहे हैं कि वो सबसे सही है जिसको हासिल करने से हमें खुशी मिले, एंड विच इज अचीव बाई द प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू, और जो गुणों के अभ्यास से प्राप्त किया जा सके. The highest rightness can be understood in two ways. वो कह रहे हैं कि जो ये सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी बात है, सबसे सही है, उसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं. A good life cannot be achieved neither by the only means of moderate pleasures nor by the only means of wisdom. वो कह रहे हैं कि इसको आप जो बढ़िया जीवन की कल्पना, अगर उनसे किसी ने पूछा होगा कि प्लेटो साहब बताइए कि सब अच्छा जीवन किसे कहा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जीवन वो नहीं है जिसमें आप सिर्फ खुशी से हासिल कर पाए, या वो भी नहीं है कि सिर्फ विवेक से हासिल कर पाए, यानी कि हमेशा खुशियों का त्याग कर दीजिए या हमेशा खुशियों को अपना लीजिए, बट बाई ए मिक्सचर ऑफ बोथ, लेकिन आप दोनों के मिश्रण से अच्छा जीवन पा सकते हैं. प्लेटोज हाईएस्ट राइटनेस मीन्स कंटेम्पलेटिंग द आइडियाज, उनके हिसाब से सबसे सही बात यह है कि हम चिंतन करें. कंटेम्पलेशन विच इज द सुप्रीम हैप्पीनेस, तो जो चिंतन है वही सबसे ज्यादा खुशी का विषय है, या वही सबसे बड़ी खुशी की बात है. ये मूल्य रहे प्लेटो के हिसाब से उनके आदर्शवाद के. अब जानते हैं कि शैक्षिक दर्शन क्या रहा प्लेटो का. तो हिज आइडियाज ऑन एजुकेशन अपीयर्ड इन हिज मेजर वर्क द रिपब्लिक, देखिए हमने कहा कि दो मेन काम थे उनके, द रिपब्लिक और द लॉज. लॉज जो था वो तब तक लिख रहे थे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, और रिपब्लिक जो है कहते हैं कि उनका जो सुकरात थे, जो उनके गुरु थे, उनसे इनका डायलॉग चलता था. ये पूछते थे कि राज्य कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो वो जो जो बोलते गए उन्होंने लिखते गए. तो रिपब्लिक जो है वो डायलॉग फॉर्म में लिखा है ना, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सोक्रेटिक डायलॉग. The Republic is Plato's ideas and recommendations on how to make a republic. तो जो रिपब्लिक है वो एक्चुअली है क्या, प्लेटो के विचार और संस्तुतियां हैं कि कैसे आप एक बढ़िया गणराज्य, एक बढ़िया राज्य बना सकते हैं. His philosophy on education was primarily based on the vision of the ideal republic. तो जो उनका शिक्षा पर जो उनका दर्शन है वो मेनली उनका जो विजन था कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श गणराज्य कैसा होना चाहिए, उस पर आधारित है. Where an individual was the best when he is subordinated to a just society. वो कह रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है वो सबसे बढ़िया काम तभी कर सकता है जब वो अब एक मतलब न्यायप्रिय समाज के प्रति समर्पित हो. He argued for an approach to education that touches all the aspects of a learning model. और वो किस तरीके की शिक्षा की बात करते थे, जिसमें कौशल भी आए, अनुशासन भी आए, संगीत भी आए, कला भी आए. Plato's ideas show resemblance to many modern educational principles. देखिए प्लेटो को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हजारों साल पहले कैसे कोई दार्शनिक वो बातें कर रहा था जिससे हमें आज के जमाने के शैक्षिक सिद्धांत मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल कीप कमिंग इन हिज राइटिंग. जब आप उनकी लिखा हुआ पढ़ते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट इमर्जिंग दिखता है कि वो एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं. आज हम बात कर रहे हैं कि आप सबको शिक्षा दीजिए इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कलर, क्रीड एंड कास्ट. अब बात कर रहे हैं कि आप पुरुष बच्चे को भी दीजिए, लड़के को भी दीजिए, लड़की को भी दीजिए, सोशल स्टेटस मत देखिए, कास्ट मत देखिए. थ्रू दिस आर्ग्यूमेंट ही वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड सेटिंग अप ए सिस्टम ऑफ सेलेक्टिव पब्लिक एजुकेशन. देखिए ये सेलेक्टिव पब्लिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मास की शिक्षा की बात नहीं, जनमानस की शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं. मतलब इन्होंने कहा कि सिर्फ आप उसको शिक्षित कीजिए ना जो उस शिक्षा को हासिल करने के काबिल है. जब आप स्टेजेस ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कितना वृहद इन्होंने 7 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक शिक्षा बताई है.
ये हासिल करनी है हमको, और इवन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन भी बताइए कि उसके आगे भी। तब उन्होंने इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया है शिक्षा का। तो उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव पब्लिक एजुकेशन दीजिए, सिर्फ उसको दीजिए जो उस लायक है, जो उसको हासिल करने की क्षमता रखता है, यानी कि सबको दे रहे हैं, आधे से ज्यादा उसके लायक ही नहीं है। दिस सिस्टम विल कन्फर हायर डिग्रीज ऑफ लर्निंग ऑन ए सिलेक्टेड फ्यू। कह रहे ना कि जो उच्चतम शिक्षा है आपको, उच्चतम डिग्री देनी है, कुछ को दीजिए, उनको दीजिए जो उसके लायक है। His theme of education is the rediscovery of knowledge. उनके जो उनका थीम था एजुकेशन का, वो एक तरीके से रीडिस्कवरी ऑफ नॉलेज था। वॉज बेस्ड ऑन ए मेटाफिजिकल फिलोसफी हेल्ड बाई प्लेटो अबाउट मैन इन हिज सोल। मतलब मनुष्य और उसकी आत्मा के बारे में जो इन्होंने फिलोसफी रखी, मेटाफिजिकल फिलोसफी, जो कि तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा क्या कि शिक्षा क्या है, ये कह रहे हैं कि ईच मैन सोल हैड ए प्रीवियस एग्जिस्टेंस इन ए आइडियल वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है वो इस आइडियल वर्ल्ड में पहले से है ना। प्लेटो कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जो विचारों का संसार है, इन विच इट हैड ए परफेक्ट नॉलेज ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट इन दिस न्यू वर्ल्ड। और उस वक्त जो सोल है उसके पास सारा ज्ञान है। बट व्हेन दिस सोल वाज लेटर प्लांटेड इन द बॉडी ऑफ मैन, लेकिन जब वो सोल एक मनुष्य में प्रवेश करती है तो वो अपना ज्ञान खो देती है, क्योंकि उसको माया मिल जाती है, वो उसको मोह मिल जाता है, उसको भ्रांतियां मिल जाती हैं, मिथ्स मिल जाते हैं, मिसकंसेप्शन मिल जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा का क्या काम है, एजुकेशन इज नाउ द प्रोसेस बाय विच द सोल कैन बी हेल्प टू रीगेन इट। वो कह रहे हैं कि शिक्षा का ये काम है कि वो जो सोल है जिसके पास परफेक्ट नॉलेज थी, जो बियॉन्ड सेंसेस एक्सपीरियंस कर सकती थी, वो जो उसने खो दिया है ज्ञान, उसको पुनः प्राप्ति में हेल्प करने का काम ही शिक्षा का है। गॉट इट? एजुकेशन पे क्या कह रहे हैं प्लेटो, वो कह रहे हैं कि द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू बेनिफिट बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखिए जब हम लोग शुरुआती दौर में एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना इंडिविजुअलिस्टिक एम और सोशलिस्टिक एम, कि कुछ शिक्षाविद कहते हैं कि व्यक्ति का विकास शिक्षा को पहले करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं व्यक्ति का विकास और समाज का विकास ना हो तो बर्बाद है। तो प्लेटो क्या कहते हैं, इन्होंने व्यक्ति के विकास की बात भी कही लेकिन समाज के विकास पर ज्यादा बल दिया है। Nothing must be admitted in education that does not contribute to the promotion of virtue. वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आप शिक्षा में शामिल मत कीजिए जिससे वो आपके किसी गुण का प्रमोशन ना कर सके। He says as his guiding principle, मतलब एक अगर उनके प्रिंसिपल को कहा गया कि क्या ऐसी चीज है जो हम एजुकेशन में इंक्लूड कर लें, तो उन्होंने कहा कि वो हर वो चीज़ आप इंक्लूड कीजिए, कोई ऐसी चीज़ मत छोड़िए जिससे आपके वर्च्यूज का प्रमोशन हो। Plato once said, एक बार उन्होंने कहा, that the main purpose of education is to bring out the latent talents in the soul by directing it toward the right objects. कितने ही शिक्षाविद ये हमसे कह गए हैं, शायद हर शिक्षाविद ने हमसे ये कहा है कि शिक्षा का काम है जो सुप्त टैलेंट है हमारे अंदर, जो सो गया है, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, उसको उजागर करे शिक्षा। Then to instill knowledge in it, हमको ज्ञान मत दीजिए, हमारे अंदर जो सुप्तावस्था में चीजें हैं, जो टैलेंट है, उसको उजागर कर दीजिए। शिक्षा का बस ये रोल होना चाहिए। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज ए मीन्स ऑफ अचीविंग जस्टिस। देखिए ये बहुत खास बात है, उन्होंने कहा शिक्षा क्या है कि जस्टिस अचीव करने का साधन होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। किसको? इंडिविजुअल को भी, सोशल को भी। देखिए हमेशा ये इंडिविजुअल और सोशल दोनों लेके चल रहे हैं साथ में। इन्होंने कहा इंडिविजुअल जस्टिस भी मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस भी मिलना चाहिए शिक्षा के द्वारा। तो इंडिविजुअल जस्टिस क्या है? Individual justice, according to Plato, can be attained when each person maximizes his or her abilities. वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत न्याय वो है कि हर व्यक्ति अपने जो टैलेंट है, जो उसकी योग्यता है, उसको मैक्सिमाइज करे। मतलब अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो अगर हम मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और तो इस तरह से जस्टिस क्या हो गया? एक्सीलेंस के सिनोनिमस हो गया ना, पर्याय बची है एक्सीलेंस का हो गया, कि हम एकदम एक्सीलेंट हो जाए उन चीजों में जिन जो हमारे पास हैं। एक्सीलेंस इज वर्च्यू। उन्होंने कहा एक्सीलेंस जो है, सर्वोत्कृष्ट होना, ये गुण है। फिर प्लेटो क्या कहते हैं कि वर्च्यू कैन बी अटेन थ्रू थ्री स्टेजेस ऑफ नॉलेज डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि गुण को आप तीन चरण में नॉलेज डेवलपमेंट से पा सकते हैं, जॉब नॉलेज, सेल्फ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ द आइडिया ऑफ गुड। यानी जॉब नॉलेज निम्नतम स्तर की नॉलेज है, खुद को जानना उससे ऊपर है, और आइडिया ऑफ गुड, गुडनेस के बारे में हमको पता चल जाए, वो उच्चतम स्तर की नॉलेज है। और सोशल जस्टिस ये क्या कह रहे हैं, क्या है सोशल जस्टिस? अकॉर्डिंग टू प्लेटो कैन बी अचीव व्हेन ऑल सोशल क्लासेस इन ए सोसाइटी इंक्लूडिंग वर्कर्स, वेरियर्स एंड रूलर्स लिव इन हार्मनी। कितनी बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि सामाजिक जस्टिस तब होगा जब जितने भी प्रकार के वर्ग हैं समाज में, वो सब सामंजस्यपूर्ण स्थिति में, सौहार्दपूर्ण स्थिति में रहे, वो काम करने वाले हों, वो योद्धा हों, वो शासक हों, है ना। प्लेटो बिलीव्स दैट ऑल पीपल कैन लिव इन पीस इफ सोसाइटी प्रोवाइड्स देम विद द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एन अर्ली एज। आज हम लोग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं हजारों साल पहले कि तभी सोसाइटी में पीस होगा, जस्टिस होगा, जब सबको समान शैक्षिक अवसर मिलेंगे अर्ली एज से।
है ना, अलाउइंग देम टू कम्पीट फेयरली विद वन अनदर, जिससे हर कोई एक दूसरे से फेयरली कम्पीट कर सके। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन देखिए, उन्होंने 6 स्टेजेस की बात की है। फर्स्ट स्टेज क्या कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेज जो है उसमें क्या है कि एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 7। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी बच्चे को शिक्षा मत दीजिए, 2-2.5-3 साल में उसकी सब जो एबिलिटीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाती। वो कह रहे हैं 7 साल से पहले बच्चे को शिक्षा देने की जरूरत नहीं, उसके पहले वो माँ से सीख सकता है, समाज से सीख सकता है, लेकिन शिक्षा आप उसको 7 वर्ष की अवस्था के बाद ही देंगे। इस स्टेज पे वो कह रहे हैं कि लड़के लड़कियों को साथ में खेलने दीजिए, है ना। लेकिन सेकेंड स्टेज पे जो जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि फ्रॉम द एज ऑफ 7 ईयर्स गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी सेपरेटेड। कह रहे हैं कि अब लड़कों को लड़कियों के संग खिलाइए, लड़कियों को लड़कियों के संग, लड़कों को लड़कों के संग, लड़कियों को लड़कियों के संग। दिस स्टेज शुड गो अप टू द टाइम चिल्ड्रन बिकम 17 ईयर्स ओल्ड। कह रहे हैं कि जो दूसरी अवस्था है वो 7 से 17 वर्ष तक चलेगी और इसमें बच्चे को सिखाएंगे क्या, एलिमेंट्री एजुकेशन विल कम्प्राइज ऑफ म्यूजिक एंड जिमनास्टिक्स। देखिए इसको संगीत प्रेमी बनाना है, संगीत सिखाना है, तो उससे क्या होगा, सौंदर्यात्मक अनुभूति का विकास होगा। जिमनास्टिक्स आप उसको सिखाएंगे, इसका मतलब फिजिकल एजुकेशन होगी, इसका शरीर लचीला होगा, उसके शरीर में सारा हिसाब किताब ठीक रहेगा। थर्ड स्टेज में वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 17 ईयर्स यंग पीपल शुड बी बैटल फील्ड टू लर्न रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। कह रहे हैं आप उनको युद्ध में भेज दीजिए जिससे कि उनको जीवन के सच्चे जीवन के अनुभव हो। दिस मीन्स द एलिमेंट्री एजुकेशन दैट गोज टिल 17 ईयर्स विल बी फॉलोड बाई 2 ईयर्स ऑफ कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। यानी देखिए वो जो काल था उसमें युद्ध होते थे, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देता था, एक राष्ट्र उसको हासिल करना चाहता था, आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए मिलिट्री ट्रेनिंग की बात की ताकि आपका देश मजबूत बन सके। फिर फोर्थ स्टेज में वो क्या कहते हैं, मतलब 17 कंप्लीट हुआ, 2 साल की आपने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग ली, यानी कि आप 20वें साल में प्रवेश कर गए। फिर वो कह रहे हैं कि फोर्थ स्टेज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 20। 20वें साल में ये स्टेज शुरू होगी, आफ्टर द यूथ हैज सफ 2 ईयर्स ऑफ कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। आपने 2 साल की कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले ली, अब क्या होगा, एट दिस एज द सिलेक्शन टू क्वालिफाई फॉर हायर एजुकेशन विल हैपन। अब ये तय किया जाएगा कि आपको हायर एजुकेशन देनी है कि नहीं देनी है। तो क्या करना है, आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा। Those who fail the test, जो टेस्ट में फेल हो गए इसका मतलब कि आप हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे, डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड प्रोडक्टिव ट्रेड, मतलब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आप व्यवसाय अपनाइए, आप प्रोडक्टिव ट्रेड्स में लगिए जिसमें हायर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। देखिए उस वक्त वो वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। दोज हु क्वालिफाई फॉर हायर एजुकेशन, लेकिन जो क्वालिफाई कर टेस्ट में पास हो गए वो क्या करेंगे, विल बी सेंट टू द आर्म फोर्सेज, उनको सेना में भेज दीजिए। देयर दे विल रिसीव ट्रेनिंग फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, यानी कि 10 साल और वो वहां ट्रेनिंग लेंगे, 30 साल के हो गए। The higher education given to those who qualify will consist of an advanced course in geometry, astronomy, harmonics and mathematics. और जिन्होंने हायर एजुकेशन वाला टेस्ट पास कर लिया, आप उनको ज्योमेट्री सिखाइए, आप उनको एस्ट्रोनॉमी सिखाइए, आप उनको हारमोनिक्स सिखाइए, आप उनको मैथमेटिक्स सिखाइए। फिर फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, ये फिर अगले 10 साल तक चलेगी। तो 30 साल की हो गई थी, तो 30 से फिर आप 40 साल तक ये काम करिए। After the 10 years of training, another test will be conducted. जब 10 साल आप और पूरा कर लेंगे 5th stage में, फिर आपसे एक test दिया जाएगा। Those who fail this test will remain in the armed forces. जिन्होंने test fail कर लिया, आप सेना में ही रह जाइए। The candidates who pass the test, जिन्होंने test pass कर लिया, उनको भेजा जाएगा सरकार join करने के लिए। यानी कि जो उत्तम लोग हैं, वो सरकार में रहेंगे। और आज क्या होता है? Where they will receive further training. और यहाँ भी ये नहीं कि अब हम इतने साल पढ़ के आए हमको पढ़ाई नहीं करनी है, उनको फर्दर ट्रेन किया जाएगा। क्या पढ़ाएंगे उनको, डायलेक्टिक्स पढ़ाएंगे, मेटाफिजिक्स पढ़ाएंगे, लॉजिक पढ़ाएंगे, फिलोसफी पढ़ाएंगे अगले 5 साल तक, यानी कि 45 साल के हो गए, ठीक है, अभी पढ़ाई चल रही है। The sixth stage, after those 5 years, they will take up positions in the government for 15 years, यानी कि 35 से 15, यानी कि 50 साल तक की बात हो गई। 35 साल के थे वो, उनको 15 साल उनको गवर्नमेंट में रहिए। One individual will be chosen from this governing class and he will act as the philosopher administrator. और इसमें से आप किसी व्यक्ति को चुन लीजिए जो philosopher administrator का रोल आपके राष्ट्र में प्ले करेगा। The task of this person will be to look after government and the education of the state. ये आदमी सरकार देखेगा और राज्य की शिक्षा देखेगा। कितना पढ़ा लिखा, सबसे उच्चतम, सबसे चतुर, सबसे बड़ा दार्शनिक। He will occupy the highest position and his word will be considered as the final word. वो उच्चतम स्थान आप उसको दीजिए, उसकी बात को अंतिम मानिए। दिस सुप्रीम इंडिविजुअल एंड ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग क्लास विल रिसीव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन थ्रू आउट देयर लाइफ। ये नहीं कह रहे कि इतना पढ़ के आए आप नहीं पढ़ना है, आज जीवन आप पढ़िए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हम आज बात कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हजारों साल पहले बात हो रही थी। 50 साल तक का इन्होंने स्पैन बताया पढ़ने लिखने का। इन्होंने कहा जो सबसे ज्यादा काबिल है वो सरकार में जाएगा। कितनी कितनी खूबसूरत व्यवस्था है शिक्षा की। This education and training will be primarily in philosophy. और जो वो सतत चलता रहेगा life long, वो philosophy पढ़ेगा।
समझ में आ रही बात? तो शिक्षा का उद्देश्य उनके हिसाब से क्या होना चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन, आप स्वयं को जानिए, कल्टीवेशन ऑफ ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस, आप सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना से परिचित होइए, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, आप में आध्यात्मिक गुणों का विकास हो, आपके व्यक्तित्व का विकास हो, आप में नागरिकता के गुणों का विकास हो, आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकें, है ना, यूनिटी इन द स्टेट फॉर द स्टेट, आप में एकता हो, आप राज्य के लिए काम करें, और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एज वेल एज द सोल, यानी कि आपके मन मस्तिष्क आत्मा सबका विकास होना चाहिए शिक्षा के द्वारा, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग भी क्या कह रहे हैं कि लॉजिक को, डायलॉग को, है ना, डिस्कशन को, क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी कि बच्चा सवाल पूछे और जो शिक्षक है वो उत्तर दे। स्टोरी टेलिंग, आज हम लोग डिजिटल स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग है ना, बच्चों को कहानियां बताइए, वैसे भी बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती है, तो उसमें जो जो नायक के ऐसे गुण बताइए जिसको वो अपने अंदर इमिटेट करने की कोशिश करे, तो अपने आप उसके अंदर अच्छे वर्च्यूज का डेवलपमेंट हो जाएगा। सेल्फ स्टडी, बच्चे को खुद पढ़ने दीजिए, खुद सीखे, ह्यूरिस्टिक मेथड, है ना। फिर कंक्लूड अगर हम करना चाहें प्लेटो को, तो प्लेटो इन्विजेंट अ काइंड ऑफ एजुकेशन दैट वाज अवेलेबल फॉर एवरीवन, उन्होंने इस तरीके की शिक्षा की कल्पना की, परिकल्पना की कि जो शिक्षा है वो सबके लिए उपलब्ध हो, रिगार्डलेस ऑफ सेक्स एंड सोशल स्टेटस, ये मत देखिए लड़का है लड़की है, किस सामाजिक वर्ग का है। ही रीजन that every citizen of a state should contribute to the state's welfare and that the most certain way to ensure this was to educate all citizens. वो कह रहे हैं सबको राज्य के कल्याण में हिस्सेदारी निभानी है, इसलिए आप सबको शिक्षित कीजिए। ये बात दूसरी है कि हर आदमी अपनी योग्यता के हिसाब से शिक्षित किया जाएगा, है ना। Plato did not see any difference in the quality of civic contributions man and a woman might offer. देखिए यहाँ women education की बात आ गई, वो कह रहे हैं कि जितना औरत आदमी contribute कर सकता है उतना ही औरत भी कर सकती है, तो आप ये मत देखिए कि स्त्री है तो शिक्षा नहीं देंगे, उसको भी शिक्षित कीजिए। So he treated both as potential responsible citizens. दोनों को हमको potential citizen बनाना है, responsible citizen बनाना है। In this regard, Plato may have been influenced by teacher Socrates. मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो वो सुकरात से प्रभावित थे। उन्होंने क्या कहा था? The perfect city is one in which men and women are allowed to do work for the city. तो सबसे बढ़िया शहर कौन सा बन जाएगा जिसमें स्त्री और पुरुष मिल के स्टेट के लिए काम करेंगे। Plato's ideal state was where social justice and harmony were the predominant values. वो कह रहे हैं कि अगर उनसे पूछा गया कि आदर्श राज्य क्या है, तो उन्होंने कहा वो आदर्श राज्य है जहाँ सामाजिक न्याय है और जहाँ सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो उन्होंने कहा social justice refers to the responsibility each citizen owes the state. यानी कि सबकी उसमें जिम्मेदारी, यानी कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं तो सामाजिक न्याय हासिल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि contribution of an individual towards state welfare in an area where he had natural talent an expert training without meddling in the area of competence of others. वो कह रहे हैं कि आप दूसरे से नहीं मतलब है, आप में जो टैलेंट है उसके हिसाब से आप स्टेट का वेलफेयर कीजिए, स्टेट के वेलफेयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। ये आदर्श बातें प्लेटो के आदर्शवाद का हिस्सा थी और इस तरीके की शिक्षा की कल्पना उन्होंने हजारों साल पहले की थी। इसलिए अच्छा हाँ एक बात बीच में कहीं रह गई, इन्होंने जो एक अपना बहुत सारा एक्चुअली मैटर था प्लेटो पे, समराइज करते करते भी इतना रह गया है, अभी भी ज्यादा है, अभी भी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। तो प्लेटो ने जो एक हायर एजुकेशन के लिए जो उन्होंने संस्था बनाई थी उसका नाम एकेडमी था, और आज तक हम लोग एकेडमिया एकेडमिक्स की बात करते हैं हायर एजुकेशन के लिए करते हैं ना, तो ये इतना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, इतना उनका प्रभुत्व रहा है शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर। तो बहुत बड़े बड़े महान दार्शनिक ये लोग हैं जिनको पूरा पढ़ने के लिए हमें बहुत समय चाहिए। ये तो बस मैंने एक क्विक उनको कवर करने की कोशिश की है ताकि आप उन मेजर बातें उनके बारे में जान सकें, उनके बारे में पूछा जाए प्रश्न तो उत्तर लिख सकें, नहीं तो प्लेटो को पढ़ने के लिए अनंत रह गई, ठीक है। तो दिस इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड प्लेटो एंड थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।